अंचल विकास आयोग बनाने का वादा इसी इंसाफ के तहत माननीय उप मुख्यमंत्री ने किया था, वो पूरा नहीं हुआ। गंगा पर पुल बने लेकिन मानंदा के आजा, सिल्ला, अभयपुर, कुट्टी, भयंकर द्वारी, निचितपुर, छतरघाट, कनकई के मटियारी, तालबाड़ी, बकराघाट, बलवाघाट पर आज तक पुल नहीं बन सका है। परमान के बकराघाट और बलवाघाट पर पुल नहीं बन सका है। आरडब्ल्यूडी का बजट बढ़ा है। महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि रसेली और खाड़ी का पुल पिछले 10 सालों से अधूरा पड़ा है, उसको पूरा। कोई शक नहीं है कि बिहार ने पिछले 10-15 सालों में तरक्की की है, लेकिन बिहार के सरकार ने इंसाफ के साथ तरक्की का दावा किया है, यह गलत है। 2005-06 में पहली बार आया तो 25,000 करोड़ का बजट था, आज 2,61,000 करोड़ का बजट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसाफ की जरूरत है। सीमांचल विकास आयोग बनाने का वादा इसी इंसाफ के तहत माननीय उप मुख्यमंत्री ने किया था, वो पूरा नहीं हुआ। गंगा पर पुल बने लेकिन मानंदा के आजा, सिल्ला, अभयपुर, कुट्टी, भयंकर द्वारी, निचितपुर, छतरघाट, कनकई के मटियारी, तालबाड़ी, बकराघाट, बलवाघाट पर आज तक पुल नहीं बन सका है। परमान के बकराघाट और बलवाघाट पर पुल नहीं बन सका है। आरडब्ल्यूडी का बजट बढ़ा है। महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि रसेली और खाड़ी का पुल पिछले 10 सालों से अधूरा पड़ा है, उसको पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री सड़क की चर्चा की गई है लेकिन मुख्यमंत्री सड़क और GTSNY का कोई चर्चा नहीं हुआ है। गांव को जोड़ने का उपाय किया जाए। आपदा के में आपने राशि बढ़ाई है लेकिन हजारों लोग विस्थापित हैं, उनको अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है। 224 + 59 + 1 मदरसे में से 205 और 609 को तनख्वाह दी जा रही थी, उसमें से 609 को बिना वजह जांच करके उसकी तनख्वाह रुकवा दी गई है और 1645 को अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, उस पर कार्रवाई की जाए। महोदय, सातवें चरण की टीचर की बहाली की जाए और गंगा बेसिन की बात, महानंदा बेसिन की बात पिछले 12 सालों से सुनी जा रही है और अब तक जमीन पर उतारी नहीं गई है, उस एस्टिमेट में तब्दीली करके उसको जमीन पर उतारा जाए। महोदय, अगर बिहार में तरक्की हो रही है तो मजदूरों का प्लान क्यों हो रहा है? तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई क्यों हो रही है? पर के पिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है? सीमांचल आज सबसे ज्यादा गरीब क्यों बढ़ गया है? सीमांचल के सैलाब की तबाही से निकालने का कोई उपाय क्यों नहीं हो रहा है? महोदय, दर्द की बात कर रहा हूं। महोदय, एक बात कहकर मैं आपसे जुदा हो जाऊंगा। महोदय, कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इंसाफ के साथ तरक्की का आपने दावा किया है तो इसी सदन के लिए कमेटी बनाइए और सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है पिछले 75 सालों से उसका इंसाफ दिलाइए। संवेदनशील सरकार से ये हम आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में भी नहीं और बजट में भी कहीं इशारा नहीं मिल रहा है कि सीमांचल को उसका हक मिलेगा। आपसे विनती करते हैं महोदय कि आप इस मामले में सरकार को सुझाव जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।